बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये पवन देव की प्राण प्रिया कुंजिका स्थला मतंग ऋषि के शाप से देखते ही देखते वानरी बन जाती है। पवन देव का हृदय टूक टूक होकर रह जाता है। अपना भग्न हृदय लेकर जब पवन देव स्वर्ग लोक पहुंचते हैं तो शाप का समाचार सुनकर इंद्र का क्रोध भड़क उठता है। स्वयं पवन देव को शाप का कारण बताकर इंद्रदेव उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर देते हैं। पृथ्वी लोक पहुंचने पर देवर्षि नारद उनके पास प्रकट होते हैं और उन्हें शिव आराधना का परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि शिव की शरण में जाने से ही उनके दुखी हृदय को शांति मिलेगी। पवन देव पवन वेग से उड़ते हुए महादेव शिव शंकर के पास कैलाश पहुंचते हैं, जहां वे ब्रह्म ध्यान में लीन थे। शिव पवन देव की प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें कैलाश पर ही अदृश्य रूप से रहने का आदेश देते हैं। इधर राजा केसरी सिंह वन में आखेट के लिए निकलते हैं और हिरणों के झुंड का पीछा करते हुए एक हिरण को नग मुनि के आश्रम परिसर में मार गिराते हैं। अपने आश्रम में एक निर्दोष हिरण की हत्या के समाचार से नग मुनि क्षुब्ध होते हैं और केसरी सिंह को एक निर्दोष प्राणी की हत्या के लिए प्रताड़ित करते हैं। केसरी नग मुनि के विषाद पर परिहास करते हैं तो क्रोधित नग मुनि केसरी को उसी समय वानर बन जाने का शाप देते हैं। देखते ही देखते राजा केसरी वानर बन जाते हैं, परंतु नग मुनि को अपने शाप पर पश्चाताप होता है और वे केसरी को शाप मुक्ति के लिए शिव की आराधना करने का उपदेश देते हैं। वानर केसरी शिवालय की खोज में वन में निकल जाता है और उसी शिवलिंग की शरण में पहुंच जाता है जहां वानरी बनी कुंजिका स्थला पहले से शिव आराधना कर रही थी। उधर चमत्कारी बालक रावण अपने पिता विश्वा ऋषि से यज्ञ हवन और मंत्र तंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मणत्व में पारंगत हो चुका था, परंतु रावण की मां केकसी रावण की इस प्रगति से संतुष्ट न थी। वो विश्वा की बात अनसुनी करके रावण को ऐसी तपस्या के लिए प्रेरित करती है जो उसे कुबेर के समान वरदान और सिद्धियां दिला सके। इस ओर नारद मुनि कुंजिका स्थला के वानरी बनने का कारण पूछने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं। भगवान विष्णु नारद को बताते हैं कि इस घटना का परिणाम शुभ होगा तथा यह घटना उनके अगले अवतार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इधर वानर केसरी तथा वानरी पुंजिका स्थला की निराहार तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और उन दोनों को वरदान देते हैं कि वे अपने अगले जन्म में उनके 11वें रुद्रावतार के महान माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शिव शंकर के इस वरदान की बात सुनकर केसरी पुंजिका स्थला धन्य का अनुभव करते हैं। बालक रावण अपनी माता के आदेश से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ करता है। उसकी तपस्या की उग्रता देखकर स्वर्ग के देवताओं में भय व्याप्त हो जाता है। वे सोचते हैं कि रावण की तपस्या स्वर्ग के देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर सकती है। वे देवता स्वर्ग पहुंचकर इंद्रदेव को बताते हैं कि राक्षसी केकसी के पुत्र रावण की कठोर तपस्या उनका अनिष्ट कर सकती है। स्वर्गराज इंद्र वरुण तथा अग्निदेव को रावण की तपस्या भंग करने का आदेश देते हैं। इस बीच रावण की तपस्या और भी उग्र हो चली थी। वरुण देव रावण की तपस्थली पर पहुंचकर भीषण प्रभंजन प्रकट करते हैं जिससे रावण के पैर तपस्या में टिक नहीं पाते। रावण एक पेड़ के नीचे आश्रय लेकर वरुण देव के प्रकोप का सामना करता है।
और फिर अग्निदेव अग्नि की भीषण ज्वालाएं प्रकट करते हैं। अग्नि की ज्वालाएं तीव्रता से रावण के पास पहुंचकर उसे झुलसाने लगती है। रावण के लिए वहां टिकना असंभव हो जाता है और वो चीखता हुआ उस तपस्थली से भाग निकलता है। वरुण और अग्निदेव से पीड़ित रावण अपनी माता केकसी के पास विश्रवा आश्रम पहुंचता है और अपना क्रोध देवताओं पर निकालता है। रावण को तपस्या में असफल देखकर केकसी को आघात पहुंचता है। उधर रावण की तपस्या भंग होने का समाचार जब उसके नाना सुमाली तक पहुंचता है तो वह निश्चय करता है कि रावण को वो कदापि असफल नहीं होने देगा। ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम नमः स्वाहा। रावण, क्या हुआ वत्स? स्नान के पश्चात तुम यज्ञ कुंड पर हवन के लिए नहीं बैठे? ये यज्ञ कुंड मुझे कुछ नहीं देने वाले पिताश्री, इसने मेरी महत्वाकांक्षाओं को जलाकर राख कर दिया। अब मैं इसके पास नहीं बैठूंगा। ऐसा शुभ नहीं बोलते हैं रावण। ब्राह्मण कुल में तुमने जन्म लिया है पुत्र, अपने धर्म का पालन करने से ही तुम्हारी महत्वाकांक्षा सिद्ध होंगी। ये असत्य है पिताश्री, आपने मुझे अब तक भ्रम में रखा। आपके ब्राह्मण ने मुझे सिवाय पश्चाताप का और कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण को दोष न दो पुत्र, तुम्हारे पुरुषार्थ में ही कोई कमी होगी जिसके कारण तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हो पाई। अब व्यर्थ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं, जाओ और अपनी अधूरी तपस्या पूरी करो। जाओ, जब तक मैं इतना शक्तिशाली ना हो जाऊं कि उन दुष्ट देवताओं को उनकी दुष्टता का दंड दे सकूं, तब तक के लिए मैं तपस्या करने नहीं बैठूंगा। ये मेरा निश्चय है माते। ये निश्चय तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा रावण। ब्राह्मण धर्म छोड़ने पर तुम अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाओगे और तपस्या से विमुख होकर तुम्हारी अब तक की सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए अपनी माता का कहना मानो पुत्र और अपनी अपूर्ण तपस्या को पूर्ण करो। यदि मैं ऐसा ना करूं तो? तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही होगा रावण। तुम्हारा जन्म समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं हुआ। नाना, आप अपने नाना के चरण स्पर्श करो पुत्र, तुम्हारी मनोकामना बड़ों के आशीर्वाद से ही पूर्ण होगी। जुग जुग जियो वत्स, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। तुम्हारा नाम राक्षस जाति के इतिहास में युगों युगों तक अमर रहे। आप मेरे वंदनीय ऋषिवर, मेरे जमाई और रावण के पिता होने के नाते रावण को आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। ब्राह्मण धर्म में तुम्हारी आस्था बनी रहे पुत्र, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। अब एक क्षण भी व्यर्थ न गवाओ पुत्र, जाओ और दृढ़ निश्चय के साथ अपना प्रण पूर्ण करो। भैया रावण, हम भी तुम्हारे साथ तपस्या के लिए चलेंगे। हमने भी निश्चय कर लिया है, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। देखा रावण, तुम्हारे भाई बहन में भी राक्षस जाति का रक्त लहरा रहा है। केकसी, इन्हें भी रावण के साथ जाने की अनुमति दो। तपस्या के समय उन दुष्ट देवताओं से रावण की रक्षा करेंगे। रावण, तू अपने भाई बहनों को लेकर अंदर जा। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आओ पुत्र। प्रणाम माते। प्रणाम। ये आपके पिता श्री सुमाली ही है ना? ठीक पहचाना तुमने, परंतु मेरे पिता होने के नाते तुम्हारे नाना श्री भी। प्रणाम नानाश्री। लंकापति कुबेर, लंका में सब कुशल मंगल तो है? आपकी कृपा से यक्ष जाति उत्कर्ष पर है नानाश्री। समय इस समय हमारे साथ है। समय सभी के साथ एक सा नहीं रहता, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए वत्स कुबेर। बस मैं इतना ही कहूंगा। अच्छा केकसी, मुझे विदा दो, हमारे यहां आने का उद्देश्य पूरा हुआ। अच्छा ऋषिराज, हमें आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा, आपका कल्याण।
आओ। तात, कुबेर का इस समय यहाँ आना कैसा विचित्र संयोग है, है ना? इस संयोग से रावण को प्रेरणा दिलाओ के कसी उसकी तपस्या में और बल आ जाएगा। जो आज्ञा तात। लंका का शासन सुचारू रूप से संभाल रहे हो ना पुत्र? तनिक सावधान रहना। आपका संकेत मैं समझ रहा हूं ता। सुमाली के हृदय में लंका को गंवाने की टीस रह रह कर जाग उठती है, परंतु इस समय उनके यहां आने का कारण? कारण है पुत्र, रावण में राक्षस जाति के उत्थान की आकांक्षाएं जगा रही है। अनुवांछित सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे तपस्या के लिए प्रेरित करना। रावण मेरा भाई ही तो है तात, मेरा अनुज। उसकी मनोकामना पूर्ण हो यही तो मैं भी चाहता हूं। अच्छा है, तुम्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। भद्र पुरुष के लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक ही है। मेरे स्नान ध्यान का समय हो गया है, मैं जाना चाहता हूं। आपके दर्शन करके मेरा दिवस धन्य हुआ पिताश्री, अब मुझे भी लंका लौटने की आज्ञा दीजिए। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पुत्र, आयुष्मान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण नमस्तुते। नारायण नारायण। प्रणाम मनु महाराज, प्रणाम माता शत्रुपा। प्रणाम देवर्षि नारद जी, आप तो स्वयं सारे जगत द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं, हमें प्रणाम करके क्यों लज्जित कर रहे हैं? देवर्षि, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। यहाँ आकर आपने हम पर बड़ी कृपा की। नारायण नारायण, कृपा तो भगवान विष्णु की चाहिए देवी शत्रुपा। क्यों मनु महाराज, आपका राजकाज सुचारू रूप से तो चल रहा है ना? भगवान विष्णु की कृपा से सब कुछ निर्विघ्न चल रहा है। न्याय और नीति पूर्वक प्रजा पालन का कर्तव्य निभा रहे हैं। आप सचमुच एक आदर्श नरेश हैं। वैसे ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते आप मेरे भ्राता हुए और देवी मेरी भाभी, इसीलिए कुशल मंगल पूछने चला आया। जो अपने होते हैं वही अपनों के बारे में सोचते हैं देवर्षि। आपको यहाँ पाकर मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। अब मैं आपको शीघ्र यहाँ से नहीं जाने दूंगी। आ, 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 आ। ये आप क्या अनर्थ कर रही हैं भाभी? मैं तो रमता जोगी हूँ, रमता जोगी और बहता पानी, क्या एक स्थान पर रुक सकते हैं? सो तो ठीक है देवर्षि, परंतु आप हमारे भ्राता हैं, इसलिए इस महल में रहने का अधिकार आपको भी है। नारद तो अकिंचन है, अकेतन है, ना उसके पास धन है ना घर। मेरे पास तो केवल नारायण की भक्ति की पूंजी है। हाँ, आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कैसा प्रश्न देवर्षि? भगवान विष्णु की ये मूर्ति सुंदर है, मनोहर है, परंतु साक्षात भगवान विष्णु की सुंदरता के क्या कहने? क्या आपके मन में साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन करने की कामना नहीं जागती? जागती है देवर्षि, क्यों नहीं जागती? किंतु हम जैसे साधारण मनुष्यों के भाग्य में प्रभु के साक्षात दर्शन कहाँ संभव है। इसीलिए तो हम उनकी मूर्ति की पूजा करके अपना मन मना लेते हैं। आप अगर चाहें तो साक्षात भगवान विष्णु आपको दर्शन दे सकते हैं। सच देवर्षि? क्या यह संभव है? तो कृपा करके हमें भी वो उपाय बताइए देवर्षि। उपाय ये है
कि आप अपने राजपाट का त्याग करके वानप्रस्थी बनकर नारायण के दर्शन के लिए तपस्या करें। आप धर्म के नाम पर राज्य त्याग करने का उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं देवर्षि। आपने ये बात कहकर हमारे मन में वैराग्य और भगवान विष्णु के दर्शन की कामना जगा दी। देवी शत्रुघ्न, आप इस बारे में क्या कहते हैं? नारायण नारायण, ये तो आपकी धर्म पत्नी है, भला ये आपकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकती है? परंतु आप भली प्रकार सोच लीजिए, क्या आप राज सुख छोड़कर तपस्या का कष्ट झेल पाएंगे? और आप, आपका कोमल तन वन की कठोरता को झेल पाएगा? भली प्रकार सोच लीजिए, तब निर्णय लीजिए। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। क्या सोचने लगे स्वामी? हम ये सोच रहे हैं देवी कि देवर्षि नारद क्या हमारे मन में वैराग्य जगाने के लिए यहां आए थे? क्या उनके आगमन का केवल यही उद्देश्य था? मैं भी यही सोच रही हूँ स्वामी, किंतु नारद मुनि ने जो कुछ कहा वही हमारे लिए उचित है। मैं आपकी सहभागिनी हूँ, आप ही के साथ वन गमन करूंगी। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। वानर राजवासुकी की कीर्ति अमर रहे। महाराज युवराज केसरी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके शीघ्र ही लौट रहे हैं। युवराज केसरी से मिलने के लिए हम कब से लालायित हैं महामंत्री? जब पिछली बार केसरी से मिलने के लिए हम गुरुकुल गए थे तो उनसे भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ वन में युद्ध अभ्यास के लिए गए हुए थे। हाँ महाराज, वानर युवराज केसरी का नाम आज बड़े बड़े योद्धाओं में गिना जाता है। इस समय युद्ध कुशल बलशाली व्यक्ति उनके सामने इस देश में और कोई नहीं है। पुत्र हो तो ऐसा, युवराज केसरी ने हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है और अब हमने भी एक निश्चय कर लिया है महामंत्री। कैसा निश्चय महाराज? युवराज केसरी को अपना राजपाट सौंप कर हम वन में चले जाएंगे और भगवत भजन करेंगे। ऐसा ना कहिए महाराज, अभी तो युवराज को आपसे बहुत कुछ सीखना है। जो कुछ सीखना है केसरी ने सब कुछ सीख लिया है, अब वो एक शासक बनने के पूर्णतया योग्य है। महामंत्री जी, युवराज केसरी के भव्य स्वागत की तैयारियां कीजिए। हम उनके यहां आने के बाद एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। प्रियदर,
हमारे राज्य की सीमा यहाँ से कितनी दूर है? हमारे राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई है युवराज। पिछले पहर ही हमने आपके पिता वानरराज वसुजी के राज्य में प्रवेश कर लिया। आश्चर्य? आश्चर्य की क्या बात है युवराज, आपके पिता ने अपने बाहुबल से ही इस विशाल क्षेत्र में विजय प्राप्त किया। अर्थात गुरु ब्रह्मदत्त का गुरुकुल भी हमारे राज्य की सीमा में ही पड़ता है। आप ही सोचिए युवराज, वानरराज अपने इकलौते प्रिय पुत्र को किसी दूसरे राज्य की सीमा में क्यों भेजे? छोड़ेंगे। दुष्ट राक्षसों, अब हम तुम्हें जीवित भी नहीं छोड़ेंगे। देवता है या मनुष्य, हम समझ नहीं पा रहे वीरवर, आप वानर और मनुष्य दोनों का रूप धारण कर लेते हैं। आपकी वीरता पर हम सब चकित हैं। चकित होने की इसमें कोई बात नहीं है ऋषिगण, ये वानर राज वसुकी के वीर पुत्र युवराज केसरी है। इनके वानर कुल को मनचाह रूप धारण करने का वरदान प्राप्त है। हमारी परंपरा है धर्म की रक्षा करना, पीड़ितों को अत्याचारियों से बचाना। ऋषिगण, ये दुष्ट राक्षस आपको कब से पीड़ित कर रहे हैं? शंभ साधन राक्षस इस वन प्रदेश पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। वह भगवान विष्णु और धर्मात्माओं का शत्रु है, अपने आप को भगवान से बढ़कर समझता है। उसने अब तक ऐसे कई ऋषि आश्रम तोड़ दिए हैं भगवान। अब कोई शंभ साधन यहाँ उत्पात नहीं मचा पाएगा, हम उसे इस अपराध का समुचित दंड देंगे। ऋषिगण, आप में वो स्थान बताएं जहां वो राक्षसों के गिरोह के साथ रहता है। उस पर्वत की कंदराओं में उसका निवास है। ऋषि मुनियों ही नहीं, निर्दोष प्रजा और सुंदर स्त्रियों पर सदैव आक्रमण करता रहता है युवराज। प्रियधर, महाराज वसुकी के पास जाने से पहले हम इस दुष्ट संसाधन से भेंट करेंगे। रोग और शत्रु को उभरने से पहले ही दबा देना चाहिए। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं युवराज, हम सब आपके साथ। युवराज केसरी जी जय।
धर्म और धर्मात्माओं के शत्रु शंभ साधन कहां छुपा है? बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। किसने ललकारा है हमें? किस दुर्बुद्धि की मृत्यु उसे हमारे पास खींच लाई है? हमारे साम्राज्य में आने का दुस्साहस किसने किया? उन निर्बल कायर ऋषियों ने भेजा है तुम्हें, जिनका भगवान हमारे डर से कहीं जाकर छिप गया है। दुर्बलों को सताना, धर्मात्माओं पर अत्याचार करना, अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझना, यही करता है ना तू शंभ साधन? आज मैं तेरी सारी बुराइयों को एक साथ समाप्त कर दूंगा। आज हमने तुझे जानबूझकर छोड़ दिया है। यदि फिर भी तूने निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने की धृष्टता दिखाई तो तू हमारे शक्तिशाली हाथों से बच नहीं पाएगा। सावधान हो जा, सावधान हो जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री नारायणाय नमस्तुते। 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 नारायण नारायण नारायण। आप कहाँ हैं प्रभु? अपने इस भक्ति और निहारिए। नारायण नारायण, क्या मेरी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं? आप कहाँ अंतर्ध्यान हो गए प्रभु? पधारिए मुनिवर। प्रणाम माता, मेरे नारायण कहाँ है? आपके नारायण का मन आजकल बैकुंठ लोक में नहीं लगता नारद जी। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं माता? बैकुंठ तो भगवान विष्णु का परम धाम है, वे सर्वदा आपके साथ यहीं विराजमान रहते हैं। उनके यहाँ ना रहने का कारण क्या है? कारण? कारण क्या आप नहीं जानते देवर्षि? आप तो उनके परम भक्त हैं। भक्तों की पुकार सुनकर क्या वे यहाँ बैठे रह सकते हैं नारद जी? आप, मैं समझा कि मेरे आराध्य देवादि देव भगवान विष्णु इस समय क्यों नहीं विराज रहे हैं। परंतु माता, भक्तों की प्रार्थना पर भगवान जाए, इससे तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। आप उदास क्यों हैं? भोले मत बनो नारद, मेरी उदासी का कारण तुम नहीं जानते क्या? नारायण नारायण, आप तो भगवान की परम शक्ति महामाया महालक्ष्मी है, भला आपके मन का रहस्य मैं कैसे जान सकता हूँ? फिर रहने दीजिए, कारण जानकर भी क्या करेंगे आप? ऐसा न कहिए माता, मैं तो आपका परम प्रिय बालक हूँ। माता को कष्ट हो और बालक अनजान बने रहे, ये कदापि नहीं हो सकता। बताइए ना माता, मैं कुछ और नहीं तो कम से कम भगवान विष्णु से विनती तो कर ही सकता हूँ कि आपका दुख दूर हो, आप पहले की तरह
चंचल और प्रसन्न दिखाई दें। मनु शत्रुपा की तपस्या से आप अनजान नहीं होंगे नारद जी। कदापि नहीं, उन्हीं के दर्शन करके तो मैं यहाँ आया हूँ, और सच पूछा जाए तो उन्हीं के बारे में निवेदन करने के लिए मैं बैकुंठ लोक आया हूँ। भगवान उन्हीं मनु शत्रुपा को वरदान देने के लिए गए हैं नारद जी, और मुझे कह गए हैं लक्ष्मी मेरे अगले अवतार का समय निकट आ रहा है, अब तुम्हें मेरा वियोग स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहना होगा। अच्छा, तो आपको इस बात की चिंता सताए जा रही है कि आपका प्रभु के साथ वियोग होगा। परंतु माता, आप तो सब जानती हैं, अब छोटा मुंह और बड़ी बात कैसे कहूं। अगले अवतार में आप भी तो प्रभु के साथ होंगी, उनकी सहधर्मिणी बनकर। ये मैं जानती हूँ नारद, किंतु वियोग वियोग ही है, उसके विषय में सोचकर ही मेरा मन कांप उठता है नारद। नारायण नारायण, माता ये संयोग वियोग ये तो संसार के अटल नियम है, जिस नियम का पालन भगवान और भगवती को भी करना पड़ता है, ताकि हम जैसे भक्त आपको देखकर उसे सहन करने की शक्ति पा सकें। नारद, इस विषय में मैंने इस तरह सोचा ही नहीं था। संयोग और वियोग संसार के अटल नियम है, इस नियम के परे कोई भी तो नहीं, न भगवान न भगवती। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री नारायणाय नमस्ते। धन्य धन्य श्रेष्ठ भक्त मनुष्य कृपा, आपकी कठोर तपस्या ने हमें यहां आने पर विवश किया है, आपकी साधना सफल हुई, आंखें खोलिए। दर्शन दिए प्रभु। नारद मुनि ने सच कहा था, आप हमें दर्शन देकर अवश्य कृतार्थ करेंगे। अपने भक्तों की पुकार पर दौड़कर चले आना तो हमारा स्वभाव है माता शत्रुपा। माता, आपने मुझे माता कहा भगवान। आप किसी की माता हैं और किसी की माता होने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपको माता कहा। प्रभु, हम दोनों माता पिता का कर्तव्य निभा चुके हैं, अब संसार से पूरी तरह निवृत्त होकर ही आपकी आराधना कर रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? क्या आपको केवल मेरे दर्शनों की ही इच्छा थी? क्या इसके सिवा आप और कुछ नहीं चाहते? प्रभु का ध्यान करते करते जो इच्छा मन में जागृत हुई थी, उसके बारे में तो कुछ कहिए स्वामी। तुम किस इच्छा की बात कर रहे हो देवी? हमारा ये जन्म तो प्रभु के दर्शन करके धन्य हो गया, अब अगले जन्म में प्रभु हमें किस प्रकार मिलेंगे, क्या इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था आपने? प्रभु, देवी शत्रुपा ने मेरे मन में यह इच्छा जगाई थी कि अगले जन्म में आप हमें पुत्र के रूप में मिले प्रभु। ये इच्छा मैंने ही इनके मन में जगाई थी, क्योंकि भविष्य में हम स्वयं आप दोनों का पुत्र बनकर अवतार लेना चाहते हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु। प्रभु, आपकी बात सुनकर मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूछूं। पूछिए।
अवश्य पूछिए, इसमें संकोच कैसा है? प्रभु, क्या देवर्षि नारद को आपने ही तपस्या की प्रेरणा देकर हमारे पास भेजा था? आपकी लीला को कौन समझ सकता है प्रभु? अगले जन्म में आपको पुत्र रूप में पाने के विचार से ही हम गदगद हो उठे हैं प्रभु। प्रभु, अब हम शीघ्र से शीघ्र ये देह त्याग कर उस जन्म में पहुंच जाना चाहते हैं जहां आप हमारे पुत्र बनकर हमें बाल रूप में दर्शन दे। प्रभु, हर कार्य समय पर ही होता है मनु महाराज। धैर्य और परीक्षा के पश्चात ही इस संसार में इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि अगला शरीर धारण करने तक आपकी यही छवि हमारे मन में बसी रहे। एक पल के लिए भी हमारा ध्यान संसार के प्रलोभनों में न फंसे प्रभु। तथास्तु, ऐसा ही होगा। नारायण, ये महाराज कुंजर के महल में नर्तकी कहां से आ गई? राजकुमारी अंजना, जरा वो गीत तो गाकर सुनाइए जिस पर आप इतना थिरक रही थी। मन के गीत के शब्द नहीं होते। बस मन में कुछ हुआ और पैर थिरकने लगे। मैं स्वयं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। हाँ? तुम्हें तो बचपन से ही नृत्य कला का अभ्यास है। ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म से ही सब कुछ सीख कर आई हो। नारायण नारायण, क्या सोच रही हो? ये ठीक कहती है, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे संगीत की कोई भूली बिसरी धुन मेरे आसपास मंडरा रही है। स्वर्ग की नर्तकी पुंजिक स्थला ने अब महाराज कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म ले लिया है, तब तो संगीत की लय इसके आसपास मंडराएगी ही। धन्य है प्रभु तेरी लीला। गुरुदेश के अधिपति अमर कीर्ति के धारक महाराज कुंजर नरेश पधार रहे हैं। नारद, जो देखना था देख चुके, अब प्रभु के संकेत से नई नई घटनाओं का जन्म होगा। चले चलो यहाँ से। देवर्षि, 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 प्रणाम। आप हमारे यहाँ पधारे, धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण, ना मैं आज से पहले आपसे कभी मिला ना आपको कभी देखा। केवल इतना जानता हूँ कि आप महाराज कुंजर हैं। आश्चर्य है आपने मुझे कैसे जान लिया। आपको कौन नहीं जानता देवर्षि। हमारे गुरु ने कुछ ही दिनों पहले भविष्यवाणी की थी कि आपको शीघ्र ही एक महान आत्मा के दर्शन होंगे। आज वो भविष्यवाणी सत्य हुई। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, संसार का सारा सुख तुम पर बरसे। आप तो देख ही रहे हैं देवर्षि, अंजना अब विवाह के योग्य हो चुकी है और हम इसके लिए उचित वर ढूंढ रहे हैं, परंतु अंजना है कि किसी को पसंद ही नहीं करती। तो स्वयंवर क्यों नहीं रचा देते राजकुमारी अंजना के लिए? इन्हें पाने के लिए तो देश विदेश के सुंदर और पराक्रमी राजकुमार दौड़े हुए चले आएंगे। नहीं देवर्षि, इसे स्वयंवर भी स्वीकार नहीं। कहती है पूर्व जन्म में जिसके साथ संबंध जुड़ा था वह स्वयं से लेने चला आएगा। अब पूर्व जन्म में कौन था इसके साथ, इस बात का पता
हमें कैसे चले? ये बात तो कोई आपको दिव्य ज्ञान ही बता सकता है, जिसे भूत भविष्य और वर्तमान एक साथ दिखाई दें। अब भला आपसे बड़ा दिव्य ज्ञानी और कौन हो सकता है देवर्षि, जिससे हम पूछें? हमारे सौभाग्य से आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। कृपा करके बताइए देवर्षि, कौन है हमारी अंजना का होने वाला वर? नारायण नारायण महाराज, आपको भ्रम हो गया है कि मैं कोई दिव्य ज्ञानी हूँ। ये प्रश्न आप किसी और से ही पूछिए। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। हमारे वीर सैनिकों, जिस वानर ने हमें नीचा दिखाकर हमसे हमारा क्षेत्र छीनने की कोशिश की है, हम उस पर दुगनी शक्ति से टूट पड़ेंगे। जो शम्भ साधन से बैर करेगा उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सेना आज ही वानर युवराज केसरी पर आक्रमण करके उसे कुचल डालेगी। वो कायर कल का सूरज नहीं देख पाएगा। दैतराज शंभु साधन की जय हो। दैतराज, मैं आपके लिए बहुत सुंदर समाचार लाया हूँ। सुंदर समाचार? तो सोच क्या रहे हो, तुरंत कहो। वो समाचार इन सबके सामने नहीं, आपके कान में सुनाना चाहता हूँ। सुनिए दैतराज। हमें इसी समय वहां ले चलो। मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल ही करते मंगलमय भगवान, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान।